इनमें करेगा सभी के साथ बदतमीजी, सभी के सामने आएगा चीनमें का सच, ईशान खोएगा अपना आपा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आए दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाला एक धमाकेदार ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों, सीरियल में आपको देखने को मिलेगा, सभी को पता चल जाने वाला है कि चीनमें आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है, जिसको जानने के बाद सभी के कुड़े रह जाएंगे उस। और दूसरी तरफ चीनमें रोकेगा सभी को सच बताने से रॉस ऑफ फैमिली के आगे। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ। आपको क्या लगता है, सभी को रहना चाहिए ईशान की लाइफ में या उसकी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाना चाहिए? आप अपनी कमेंट बनाए हमें जरूर बताएं। स्टार प्लस का शो सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड में आपको एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलेगा, सभी को पता चलेगा चीनमें का सच और चीनमें रोकेगा उसे सबको सच बताने से और करेगा सभी के साथ बदतमीजी। और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सभी को पता चलेगा कि चीनमें को देहरादून में छोटा सा स्कूल खोलना है। और दूसरी तरफ सभी सोचेगी कि अगर चीनमें दादा को इतना ही इंटरेस्ट है पढ़ाने में तो वह भोसले एजुकेशन से क्यों नहीं पढ़ा देते हैं, और भोसले कॉलेज में अब बहुत बड़ा नाम है। और वहीं दूसरी तरफ देहरादून फ़ोन करके पता करेगी चीनमें ने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने की बात की है, और सभी को सच को सच पता चल जाने वाला है कि चीनमें दादा वहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके पास में पैसे नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि चीनमें एक लड़की को बचाता हुआ नजर आएगा और सभी चीनमें का पीछा करते करते पहुँच जाने वाली है चीनमें के अड्डे पर, और सभी जान जाएगी उसका सच, वह अपनी फैमिली से इतनी नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ वह इस लड़की का दुख भी नहीं देख पा रहे हैं और उसके बाप से भी लड़ जा रहे हैं। और वहीं आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अक्का साहब सभी को बदवा देती हुई नजर आएगी और बोलेगी तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया है और मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि तेरा घर कभी भी ना बसे। आपको क्या लगता है, सभी बता देगी सबको चीनमें की सच्चाई? आप अपनी कमेंट में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।